हाय गाइस, तो ये प्रोग्राम है हमारा। फंक्शंस का यूज़ करके आपको एक प्रोग्राम लिखना है पाइथन में, सम ऑफ टू नंबर्स करने हैं। तो स्टेटमेंट क्या हुई, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सम ऑफ टू नंबर्स इन पाइथन यूजिंग फंक्शंस। तो फंक्शंस लिखने हो पाइथन में, सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, एक डेफ कीवर्ड लिखना होता है, DEF। उसके बाद आप फंक्शन का कुछ भी नाम रख सकते हो। तो इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ सम, और साथ में ही जो पैरामीटर इसको पास होके आएंगे मैंने ए और बी लिख लिए। तो पाइथन में जब भी आप फंक्शन लिखते हो तो फंक्शन को का नेम देने के बाद, पैरामीटर्स देने के बाद, लास्ट में आपको एक कॉलन लिखना है। फिर आप एंटर की प्रेस करोगे तो ये एक टैब स्पेस के बाद कर्सर आपका यहाँ पे आके रुकेगा। यहाँ पे आप इसकी आगे की बॉडी लिख सकते हो। तो सिंपली एडिशन करना है तो हम लोग लिख सकते हैं रिटर्न ए प्लस बी। तो ये क्या करेगा, ए और बी की जो भी सप्लाइड वैल्यू है उनको ऐड करके मेन प्रोग्राम में वापस भेज देगा। तो देखा जाए सिर्फ फंक्शन लिखना है तो इतना इनफ है। अब हम मेन प्रोग्राम लिखते हैं, तो फंक्शन के बाद यहाँ से हम लोग मेन प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। तो मेन प्रोग्राम में आपको ए और बी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो आप लिखोगे ए इज़ इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ ए, और अगली लाइन में बी इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ बी। तो आप इस तरह से ए और बी की वैल्यू को आप रीड कर सकते हो। उसके बाद हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू सम ए कॉमा बी। ये हमारी तीनों स्टेटमेंट हमारी मेन प्रोग्राम में है। इसके बाद सी में आंसर आ चुका है, तो सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट से हम लोग सी की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। तो गाइस, ये है एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें आप एडिशन ऑफ टू नंबर्स कर रहे हो। इसमें जो ये पार्ट है, ये हमारा फंक्शन पार्ट है जिसमें नंबर्स जो सप्लाई होंगे वो ऐड होके आंसर मेन प्रोग्राम को रिटर्न होके आ जाएगा। तो ए और बी आपने सप्लाई किए, ए और बी की वैल्यू जो भी आपने कीबोर्ड से एंटर करी होगी प्रोग्राम में, वो सम फंक्शन को मिल जाएगी, एडिशन होगा और आंसर रिटर्न होके सी में स्टोर हो जाएगा। और प्रिंट सी से हमने क्या किया है, जो आउटपुट है वो प्रिंट हो जाएगी। मान लो ए की वैल्यू आपने 10 रीड की, बी की वैल्यू आपने 20 रीड की, तो सी का आंसर आपका 30 प्रिंट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।